तो मॉनसून के आने के बाद कितनी परेशानियां आपको भुगतनी पड़ सकती है, ये तो खैर लाजमी है, लेकिन उसके साथ साथ जो और कुछ तकलीफें होती हैं वो है महंगाई की। बारिश की वजह से जिस तरीके से सब्जियां महंगी हो गई है, तो असर बारिश का किचन पे भी आता हुआ नज़र आ रहा है। और पहाड़गंज सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से इजाफा हुआ है सब्जियों के दामों में। टमाटर की अगर हम बात करें तो 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम टमाटर बिक रहा है। तो जो ये इजाफा है, जो महंगाई है, कहीं ना कहीं बारिश की वजह से वो नज़र आ रही है। और ऐसे में किचन पर कितना असर पड़ रहा है, तो कोशिश हम करते हैं जानने की। भैया ये बताइए कि फिलहाल टमाटर के क्या कीमत है? टमाटर, अच्छा थोड़ा आगे आइएगा प्लीज़। टमाटर की प्राइसेस अभी क्या चल रहा है और कब से रेट्स बढ़े? दस दिन हो गए बढ़ जाए, और क्या वजह है इसकी जो प्राइस बढ़ रहे हैं? बाहर से आ रहा, खर्चा ज़्यादा पड़ता है इसका, ये वजह से महंगा है। क्या इस वजह से ऐसा कुछ है कि जो आपके लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए उनमें कुछ कमी देखी जा रही है या असर पड़ रहा है ग्राहकों पर? हाँ तो असर पड़ेगा, ग्राहक को जितना महंगा होगा तो ग्राहक कम खाएगा, जहाँ एक किलो ले जाए आधा किलो ले जा रहे हैं। हाँ जी, तो टमाटर के प्राइसेस हम बता रहे हैं, अगर टमाटर के दामों की बात करें तो फिलहाल 50 से 60 किलोग्राम कम से कम मिल रहा है। और बारिश की वजह से जो डिमांड और सप्लाई है उस वजह से, जिसके कारण जो सब्जी वाले हैं जो बेचने के लिए बैठे हैं उनको भी थोड़ी समस्याएं हो रही है क्योंकि ग्राहक थोड़े कम बाहर निकल रहे हैं। देश भर में लगातार हो रही बारिश का असर अब सब्जियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी में हम मौजूद हैं और सब्जियों की अगर बात की जाए, जो तमाम सब्जियाँ जो कि रोज़ाना घर में इस्तेमाल होती हैं, जो थाली दमाई परोसी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं अब महंगी होती नज़र आ रही हैं। तमाम अगर हरी सब्जियों की अगर बात की जाए तो वो 40 रुपये प्रति किलो से कम जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो सब्जियाँ हैं उनके अब रेट में एकदम से उछाल जो है पिछले एक हफ्ते के अंदर आया है। हमारे साथ मोहम्मद साहब हैं जो कि कारोबारी हैं, उनसे जानेंगे। मोहम्मद साहब, ये जो रेट बढ़े हैं कब से बढ़े हैं और कितना असर जो है वो पड़ा है? ये सर जी ऐसा है कि परवल का जो भिंडी का रेट हो गया, सारी सब्जियों का रेट हो गया, 5-7 दिन के अंदर रेट बढ़ गया और ये बारिश हुई है उसके कारण महंगा होगा। पहले तो बिक रही थी 18-20 रुपए या 22 रुपए ऐसा रेट था, अब ये होगा 50-40 रुपए किलो से कोई सब्जी कम नहीं है। जैसे बैंगन भी नहीं दिखाई दे रहा, छोटा मोटा बैंगन आता था, वो बैंगन काढ़ा होगा, पानी भी उस पर पड़ गया, पानी पड़ने के बाद में सब्जी ख़राब हो जाती है उस खेतों में। अब वो किसान कम ला रहे हैं, कम लाने की वजह से सब्जी यहाँ पर कम आ रही है और क्या कहें, उसके बावजूद महंगी हो रही है। क्या करें, हम तो बेचने में, हमारे जो ग्राहक है वो भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। रात से बैठा हुआ सर जी, इसमें सब्जी लेके हुई है, सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि हमें बताते में ग्राहक को शर्म सी लग रही है। क्यों? क्योंकि हफ्ते भर पहले बिक रही थी सब्जी 18-20 रुपए, 15 रुपए किलो, आज दुगना रेट हो गया। होलसेल मंडी के अंदर आप 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बता रहे हैं कि बैंगन 40 है, तो उसका सीधे तौर पर असर रिटेल पर ही पड़ेगा? बिल्कुल, जो वो हमसे तो ले आते हैं, जो मार्केट में माल बेचते हैं वो हमसे तो ले आते हैं बेचारे, और वो बेचेंगे, हम तो बेच रहे 40 रुपए किलो, अब वो उनका खर्चा लगा के नहीं 50-55 रुपए किलो पड़ जाती है, तो वो बेचेंगे 60-70 रुपए किलो। वहाँ पे क्या कहें, वो उनकी डेकोरेशन भी है, खर्चा पानी भी है, यहाँ से ले आने में लाने में वहाँ पर खर्चा बैठ जाता, तो वो भी अपने दो पैसे कमा रहे हैं और हम भी यहाँ पे दो पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए। सर ये सब्जियाँ महंगी हो गई हैं और सब्जी कम है पीछे से। और किसकी सब्जियों के दाम जो है वो बढ़े हैं? लगभग सारी सब्जी महंगी है, कोई मद्दी नहीं है। शिमला मिर्ची महंगी है, भिंडी बिक रही थी 20 रुपए किलो, आज भिंडी 40 रुपए किलो, बैंगन बिक रहा था 20 रुपए किलो, बैंगन होगा 40 रुपए किलो, परवल बिक रहा था 20-22 रुपए किलो होलसेल में, अब परवल बिक रहा 50-40 रुपए किलो। घी का रेट था 10 रुपए किलो, 10 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, आज घी का रेट है 30 रुपए, 40 रुपए। तुरई बिक रही थी 15-16 रुपए किलो, और तुरई बिक रही है 35-40 रुपए किलो।